गुड मॉर्निंग गाइस। दोस्तों इस वीडियो में जो क्वालिटी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ऐसी क्वालिटी आप लोगों को ढूंढने से भी नहीं मिलती। और अगर बाय चांस हमें ऐसी क्वालिटी मिल भी जाती है तो भाई फिर ब्रीडर उनके प्राइस के इतनी ज्यादा डिमांड करते हैं कि हमारे लिए उन्हें परचेज करना इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड गाइस आप लोगों के एक क्वेश्चन का आंसर मैं स्टार्टिंग में ही दे देता हूँ, जो कि आप लोग हमेशा मुझसे करते हो। बट उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज पेटवीट की तरफ से बहुत बड़ी सेल आ रही है। आप लोग डॉग्स के लिए कोई भी सप्लीमेंट परचेज कर सकते हो, शैम्पू, मल्टीविटामिन्स या फिर वाइप्स, वो सभी आप लोगों को सिर्फ 99 रुपीज में मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग उन्हें परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। सो दोस्तों जब भी मैं डोबरमैन की वीडियो डालता हूँ तो आप में से मोस्ट लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि भाई ये पपीज अमेरिकन है या फिर यूरोपियन। लेकिन आज आप लोगों के दोनों क्वेश्चन का आंसर ये है कि अमेरिकन भी है और यूरोपियन भी। वैसे डोंट वरी गाइस, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पपीज के जो फादर है वो प्योर यूरोपियन है और जो मदर है वो है अमेरिकन। वैसे आई नो अब आप में से काफी लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन और आने वाला है कि अरमन जी हम कैसे मान लें कि पपीज के फादर यूरोपियन है। वैसे इस चीज के दो प्रूफ हैं। एक तो आगे मैं आप लोगों को इन पपीज के फादर की फोटो दिखाऊंगा, एंड सेकंड जो है इनके जो फादर हैं वो केसीए रजिस्टर्ड हैं, तो उसके पेपर्स पर आप लोगों को हर एक चीज मेंशन मिल जाएगी। एंड दोस्तों सिर्फ फादर ही नहीं बल्कि पपीज भी आप लोगों को पेपर्स के साथ मिल जाएंगे, ये पपीज भी केसीए रजिस्टर्ड है। तो भाई इसे कहते हैं सोने पे सुहागा, क्योंकि पपीज तो एक्सीलेंट क्वालिटी में है ही, साथ में आप लोगों को इनकी प्योरिटी की श्योरिटी भी मिल रही है जो है इनके केसीआई पेपर्स। और शायद ये चीज तो आप में से हर किसी को पता होगी कि जो केसीआई रजिस्टर्ड डॉग्स होते हैं उनका प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ओनर ने इनका प्राइस काफी रीजनेबल रखा है। वैसे दोस्तों अगर मदर की क्वालिटी के बारे में बात करें तो भाई मदर भी A1 क्वालिटी में है और ये भी केसीआई रजिस्टर्ड है। वैसे आप लोग जानते ही हैं कि जब तक मदर फादर केसीआई रजिस्टर्ड ना हो तो पपीज के भी पेपर्स नहीं बनते। तो गाइस अब बात आती है इन पपीज के फादर के बारे में। तो ये देखिए गाइस, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है इन पपीज के फादर, जो कि फाड़ू क्वालिटी में है और ये प्योर यूरोपियन है। वैसे आई नो इसका फेस, मसल, इसकी हाइट और इसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखकर आप लोगों को इजीली पता लग गया होगा कि हाँ ये यूरोपियन है। और हाँ दोस्तों पपीज जो है ये आप लोगों को दोनों ही कलर्स में मिल जाएंगे, चॉकलेट एंड ब्लैक एंड टैन। तो अगर इन पपीज की एज के बारे में बात करें तो भाई पपीज जो है ये 35 डेज के हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है चंडीगढ़ से। और वैसे तो दोस्तों सबसे अच्छा तो ये रहता है कि आप लोग डायरेक्ट ओनर के पास जाकर पपीज को परचेज करें, क्योंकि डायरेक्ट जाने में आप लोगों को बहुत सारे फायदे होते हैं। बट अगर आप लोग डायरेक्ट नहीं जा सकते तो ओनर आप लोगों को अप टू 60 किलोमीटर तक डिलीवरी प्रोवाइड करा सकते हैं, बट उस पे आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो फाइनली अगर पपीज के प्राइस के बारे में बात करें तो भाई पपीज सुपर क्वालिटी में है और ये अमेरिकन प्लस यूरोपियन है और केसीआई रजिस्टर्ड है। तो उन्हें जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 25,000 पीस विद पेपर्स एंड फीमेल की है 20,000 पीस यानी 20,000 रुपए। वैसे दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस में आप लोगों को कोई भी डिस्काउंट मिल पाएगा, बट फिर भी आप लोग चाहें तो डॉग ओनर से डिस्कस कर सकते हो। बाकी आशा करता हूँ पपीज की क्वालिटी और ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। तो मिलता हूँ आप लोगों से एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।